नाश्ता वगैरह किया और अभी बज गए हैं 2:30 होने वाले हैं, तो बज गए हैं। रूम वगैरह मैं सब सेट कर चुकी हूँ और अली वहाँ पे सो रहे हैं और मैं हूँ किचन में, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। आपको दिखाता हूँ। तो जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। आटा मैं गूंथ चुकी हूँ, रोटियाँ बनेंगी और भिंडी बना रही हूँ, तो फटाफट बना लेते हैं। और बस अभी जो कपड़े धोने हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम यहाँ खैरियत से हैं। लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, मेरे पाँव में भी बहुत तकलीफ़ है, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल सक रही और व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, ख़राब चल रही है। तो दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, तो आपको रोज़ डेली व्लॉग मिलेंगे। और अली बाबा माशाल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का आप की दुआओं से, और अली के बाबा भी ठीक है माशाल्लाह। बस मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, इसलिए मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकती, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम रोज़ व्लॉग बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्रेश हो चुकी थी, कपड़े मैं चेंज कर चुकी थी और खाना भी दोपहर का खा लिया। बस अब पढ़ते हैं असर की नमाज़, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम हो चुका है। अभी बज गए हैं 6, फटाफट असर की नमाज़ अदा कर लेते हैं और फिर हो जाएगा मगरिब का टाइम, तो फटाफट पढ़ लेते हैं असर की नमाज़। तो जी, असर की नमाज़ अदा कर लेते हैं फटाफट असर की नमाज़ अदा कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं कुरान पाक थोड़ा। तो जी, कुरान करीम मैं पढ़ चुकी हूँ और माशाल्लाह से मगरिब की नमाज़ भी अज़ान भी हो चुकी है, तो अब पढ़ लेते हैं मगरिब की नमाज़ अदा कर लेते हैं फटाफट मगरिब की नमाज़ अदा कर लेते हैं। और फिर अली तो सोए हुए हैं, फिर अली के बाबा आएंगे, तो अली अब आ चुके हैं, उठ चुके हैं। और अली क्या करें, बाबा को खिलौनों से नहीं उल्टी फुलटी चीज़ों का खेलना है भाई। पहले इस कैन से खेला था पानी के और ये इसने दराज खोल दी। अली बाबा नहीं, जवाब नहीं दे रहे मम्मा को। तो जी, फाइनली अली के बाबा आ चुके हैं और पता नहीं क्यों छुपे हुए हैं। क्या हुआ है, नींद आ रही है? आपको कब नींद नहीं आती है? क्या मतलब है? मतलब यही कि रात में भी आपको नींद आती है। तो रात होती है सोने के लिए, उल्लुओं की तरह जागने की जरूरत थोड़ी होती है। और अली यहाँ पे खेल रहे हैं मेरे दुपट्टे से। अली बाबा क्या कर रहे हैं? चेहरा नजर आ जाएगा। मम्मा कहाँ हैं? मम्मा कहाँ हैं? ये क्या कर क्या रहे हैं आप? क्यों चिल्ला रहे हो अली बाबा? आओ कर रहा है। क्यों? आ जा। आओ। भाई हमारे बेटे अली को मस्ती सूझी है, बस अभी फ्रेश होते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शहर इरफान, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। तो आज जुम्मा था और आज जुम्मे का दिन शुरू हो चुका और अली के बाबा जा चुके अपने ऑफिस खाना वगैरह खा के। मैंने दोपहर का भी खाना खा लिया, अली सो रहा है और मैं फ्रेश हो गई थी, नहा लिया था, सब कुछ हो गया था। तो असर की अज़ान हो चुकी है, तो हम पढ़ते हैं असर की नमाज़। जी, एक बात बतानी थी, आज है 2, कल है 3, 12 3 स्टार्ट हो जाएगी और 3 फरवरी को होता है अली के बाबा का बर्थडे, हमारा स्पेशल डे। तो ये है हमारा स्पेशल डे, तो अली के बाबा का बर्थडे है 3 फरवरी को, तो उनके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे पता है, तो उनको मैं दूँगी सरप्राइज़।
और ये आ गया है मुन्ना तो उनको देंगे हम सरप्राइज़ और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो मैं दूंगी 12 बजे के बाद उनको सरप्राइज़ और आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। तो हम पढ़ लेते हैं असर की नमाज, तो असर की नमाज़ अदा कर लेते फटाफट, असर की नमाज़ अदा कर लेते हैं और फिर वेट करेंगे मगरिब का, जब तक कुरान पाक पढ़ लेंगे। जी फाइनली अली के बाबा आ चुके हैं और आते के साथ ही उन्होंने अपना काम देख लिया है जैसे कि उनकी ड्यूटी हो, आटा गूंद रहे हैं अली के बाबा, इधर देखें इधर देखें। और आज इन्होंने कपड़े भी ख़राब कर दिए हैं अपने, जो आज आज पहने कैसे आपने कपड़े ख़राब किए हैं यार, मतलब कि आपने आज पहने। और आज इत्तेफाक से हम तीनों ने ब्लैक पहना है, अली ने और अली के बाबा ने और अली की मम्मा ने ब्लैक ब्लैक पहना है। तो ये आटा गूंद रहे हैं, तो मैं फटाफट रोटियां बनाती हूँ, आटा गूंद जाएगा अभी फटाफट। तो अली के बाबा आटा गूंद रहे हैं और मैं रोटियां बनाती हूँ। 9:15 हो चुके हैं, 9:15 हो चुके हैं, 9:15 हो चुके हैं। तो कितनी देर में गूंद जाएगा यार, हो गया बस थोड़ी। 2 hours later तो जी फाइनली मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट मंगवा लिया था, मेरी सिस्टर और मम्मी आई थी देने के लिए, जो मैंने अली के बाबा के लिए उनको सरप्राइज़ गिफ्ट लिया है। उनको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। तो अब हम उनको देते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है, चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लेकर चलते हैप्पी बर्थडे ये कब हुआ? सरप्राइज है आपके लिए। सीरियसली? हाँ वाकई में? किसने मंगवाया? अब बस मंगवा लिए, अब देखो बता किसने मंगवाया, अब देखो आपको अच्छा लगा Very? तो जी अली के बाबा को मैंने ये गिफ्ट दे दिया है, जो मैंने आपको बताया था कि इनके लिए सरप्राइज है, तो यही सरप्राइज है। अब ये खोल रहे हैं मैं उनके लिए केक नहीं काट सकी लेकिन गिफ्ट मैंने ले लिया, तो अली के बाबा के लिए गिफ्ट आ गया है भाई। तो इनको अब खोलते हैं और देखते हैं उनको कैसा लगता है। खोलें पढ़ो। हाँ कैसा लगा सरप्राइज? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये वॉच इनके लिए, जो मैंने भी नहीं देखी थी और मैंने मंगवाई थी, तो जिसने लेके दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, मेरी सिस्टर्स तो थैंक यू सो मच यार गिफ्ट के लिए। और बहुत अली के बाबा खुश, मैं खुश और अली भी खुश हाय अच्छी लग रही है माशाल्लाह, अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच माय वाइफ, और इन्होंने बर्थडे गिफ्ट लाने के लिए सपोर्ट किया, उनका भी थैंक यू। जी ये था सरप्राइज़ अली के बाबा के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें और हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।